डैडी, तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? वाइन फैक्ट्री के सामने। वाइन फैक्ट्री? डैडी आप जानते हैं मुझे वाइन पसंद है, पर वाइन फैक्ट्री, यू आर टू मच। गधेड़ा जरा पाछड़ जो, तुम्हें लाने वाली कार चूमंतर है। हाँ। और तुम्हारे पास पासपोर्ट और कैश भी नहीं है। हाँ। हे, कान खोल इन्हें सामली ले, आज से तुम उस वाइन फैक्ट्री में सिर्फ एक कुली हो। अब अपने खाने पीने नहाने धोने सबके लिए तुम्हें खुद कमाना होगा। अगर तुम्हें इंडिया वापस आना है तो उसके लिए पैसों का इंतजाम अपनी कड़ी मेहनत से करना होगा। जहरे दिवस रात गधेड़ानी टाइम काम करेश, तब जाकर तुम्हें जिंदगी की कीमत समझ में आएगी। और हाँ, वहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, वो पैलेस नहीं है, प्रिजन है। डैडी! भैया ये क्या किया आपने? ए जो पुतानी जात ने 30 मार खा समझे छे, तो हूँ तेनो बाप छू। पुलिस में रिपोर्ट करके हम सबको जेल भिजवाएगा। रोज के झगड़े, पुलिस स्टेशन, चचा। बहुत कोशिश की पर वो नहीं सुधरा, तब मैंने ये खेल खेला और वो फंस गया। मोटा भाई, पेली है पेरिस नी ब्रांच अने चिट निकाल दी। ए बद्धो, मारो प्लान है तो हर चिट पर सिर्फ उसी का नाम लिखा था। पर अगर वो किसी और को साथ ले जाता तो? अगर वो लेकर जाता ना, तो इसी निकम्मे को लेकर जाता, एक मुसीबत बीजी टलती। बची गयो तू। भैया आपने ये ठीक नहीं किया, भाभी होती तो ऐसा होने देती क्या? इसी बात का तो हमेशा फायदा उठाता रहा है, अब उसे पता चलेगा। उस फैक्ट्री का बॉस मामूली आदमी नहीं है, वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और फौलाद है वो। मारो लंगोटियो गब्बरियो। अमीने, तुझे पता है ना किसकी करतूत है? पता है। अंगूर से रस निकालने को कहा था और एक किलो अंगूर तू खुद खा गया। मत मारिए मालिक, मत मारिए। नहीं मारूं तुझे, खा खा के ढोल होता जा रहा है। अंगूर क्यों खाए बोल? मुझे भूख लगी थी, क्या करता? भूख लगेगी तो मुझे भी खा लेगा क्या? सर, इस लंगूर ने अंगूर खा लिए। सर, ये लड़का कृष्णदेव का बेटा, हैदराबाद वाला आपका दोस्त। ओ, तू है वो। देखने में तो अनाड़ी लगता है, पर सुना है बहुत बड़ा खिलाड़ी है तू। यहाँ जो एक किलो अंगूर खाता है उसे 25,000 भरने पड़ते हैं। यहाँ रहने वाला हर शख्स खुद कमाता है और खुद खाता है, पर अगर ऐसा ना कर पाए तो जिंदगी भर वो यहीं पर सड़ता है। 25 किलो अंगूर को चलने से एक बोतल रस निकलता है और एक बोतल के 5 रुपए मिलते हैं। यहाँ 5 रुपए का मिलता है हाफ बॉटल वाटर। सर, हैदराबाद का टिकट कितने का होगा? 45,000 रुपए। 45 मतलब 9,000 बॉटल। अगर 25,000 किलो अंगूर नहीं कुचले तो हैदराबाद नहीं जा पाऊंगा। ए, इसे भी अपने साथ काम पर लगा दो। गब्बर तुम्हारे बाप का दोस्त है? तुम्हारे भी बाप का दोस्त है? हाँ है। उसका बाप भी दोस्त है। तो लोगों से गुलामी करवाते हैं ये? नहीं, ये अमीर लोगों के सरफिरे बच्चों के साथ ऐसा करता है। तो तुम भी रिच हो? हाँ। तुमने कौन सी शरारत की थी? थोबड़े को देख के लोग मुझे आशिक मस्ताना बुलाते थे। चिकनी चिकनी लड़कियाँ मुझे देख के फ्लैट हो जाती थी। एरिया में एक भी लड़की नहीं बची थी जो मुझे देख के अपने आप। तुम्हारी अकल और शक्ल देखकर तुम पे लड़कियां मरती थी, ये कुछ हजम नहीं हुआ। सच में? गुड मॉर्निंग अनुसुया मैम। ये क्या, कार को मम्मी कह रहा और कॉफी पिला रहा? गब्बर की अम्मा अनुसुया देवी इसी कार में अचानक मर गई थी, इसलिए ये कार उसके सेंटिमेंट से जुड़ी है। मरे हुए को सेंटिमेंट और जिंदा लोगों को पनिशमेंट? सिर्फ कॉफी ही नहीं, दिन में चाइनीज, रात में इटालियन और त्योहार पर वर्ल्ड क्लास वाइन पिलाई जाती है कार को। क्या रे पांडू, नया मुर्गा है क्या? ले क्या? आजा बेटा आजा, लग जा लाइन में। क्यों रे, देखने में तो रिच फैमिली का लगता है। यहाँ दाल निकलेगी, हमको देख तेरी हालत भी ऐसी होने वाली है। हम भी यहाँ घूमने के चक्कर में आए थे और यहाँ आके फंस गए। मन में कोई डाउट मत रखना, यहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं है। पेरिस में ऐसी कोई जेल भी नहीं होगी जैसी यहाँ पर है। ए, रुक क्यों गया? अगर 60 बाल्टी जूस नहीं निकाला तो खाना नहीं मिलेगा। चल जल्दी जल्दी पैर चला, वरना तेरे ऊपर पैर चलाऊंगा। सुनो, ये वाइन नहीं, मेरा खून है। स्टार्ट म्यूजिक। स्वामी जी, जब से वो गया है घर सूना हो गया है। सूना नहीं, उसके जाने से घर में शांति छाई है। उसे सुधारने के लिए तो वहाँ भेजा है ताकि वो जिम्मेदार बने।
है ने पापा? कृष्णा, तुम्हें उसे नहीं भेजना चाहिए था। उसकी जिंदगी सुधरने के बजाय उलझने वाली है। अंत में भला ही होगा। अरे मम्मी, मेरी मम्मी कहाँ गई? भागने के चक्कर में कहीं वहीं वापस तो नहीं आ गया? मतलब तुम सचमुच मुझसे बात कर रहे थे? तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नजर आ रहा है? पता नहीं पागल पेरिस कैसे पहुंच गई। मम्मी जी, रुक जाओ मम्मी जी। अरे यार, मुझे भी लड़की के साथ जाना चाहिए था। छोड़ो, हमसे बचकर भागेगा। मैं क्या हो रहा है? तू क्या देख रही है? तेरी वजह से फंसा हूँ। What the hell are you doing? Come on, पूछा, डूब के मार। लगता है ये पागल हो गया। यहाँ मिली, ऊपर मत मिलना। तूने कुछ ज्यादा चढ़ा लिया क्या? कहाँ गई? कूद गई क्या? कूद। ए, हंस के ले। Keep going, keep going। लगता है पावली ने अठन्नी कम है। सर, मम्मी जी आ रही हैं। ए, दोस्त का बेटा इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तेरे स्पेयर पार्ट अलग करके बैग में भर के उसी नदी में बहा देता। चुप, बहुत तुम हिला रहा है तू। आज रात तुझ पर जॉनी छोड़ूंगा। जॉनी कौन है? डरावना है क्या? मैं किसी जॉनी वॉनी से नहीं डरता। इस बार मैं अकेला नहीं, हम सब भागेंगे। क्यों आशिक मस्ताना? चांस ही नहीं है। जॉनी जानते हो कौन है? कुत्ता होगा। नहीं, बाघ है। बाघ? सर प्लीज मुझे बचा लो सर। अरे अरे, मैं हूँ सर, सुबह मिली थी ना। पगली, तूने तो डरा ही दिया। मुझे लगा तू चुड़ैल है। चुड़ैल से डरते हो तुम? जरा सर। वैसे तुम यहाँ कैसे? वो चार गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे, उनसे बचते बचते मैं यहाँ पहुँच गई। कैसी किस्मत है तुम्हारी। क्यों, मेरी किस्मत को क्या हुआ? जब सुबह तुम मिले थे तो मुझे पहली बार ऐसा लगा था कि What a handsome guy you are! क्या आँखें हैं, क्या style है, क्या personality है। मैं तो flat हो गई थी। देखो, इन फालतू बातों से तुम मुझे impress नहीं कर सकती। मैं बहुत intelligent हूँ। Continue।
तुम मुझ पे फ्लैट थी? फ्लैट थी, टोटली फ्लैट थी। लेकिन उन गुंडों ने जब तुम्हें कुत्ते की तरह घसीटना शुरू किया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे सपनों के राजकुमार की इतनी बुरी किस्मत मैं सोच नहीं सकती थी। जानवर की तरह यहाँ बंद करके रखा। डैड की तो... ये क्या कह रहे हो? अपने फादर के लिए इज्जत से बात करो। कैसी इज्जत? आदमी नहीं है वो। मैं अपने कॉलेज का टॉपर था। लास्ट एग्जाम के टाइम T20 मैच की वजह से मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, इसलिए सेकंड रैंक आई, पर मैंने उन्हें बता दिया था। लेकिन उस इंसान ने मुझ पर जरा भी दया नहीं दिखाई। पनिशमेंट के तौर पर कुली बना दिया। कुली बनने के लिए यहाँ आना जरूरी था? मैं यहाँ कभी नहीं आता। पेरिस के चक्कर में मैं यहाँ आकर फंस गया। सेंटी मत मारो, अपनी कहानी सुनाओ। कट 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 कट, सब फटाफट सुनाओ, चलो शुरू हो जाओ। शूट। मेरा नाम शर्मिला है, रहने वाली हैदराबाद की। मेडिकल्स के फाइनल ईयर में हूँ। फेसबुक पे जॉन वो नाम के लड़के से मुलाकात हुई। बहुत ही हैंडसम दिखता था मेरा जानू। मैं तो उसके प्रोफाइल पिक्चर पर मर मिटी। बहुत फनी फनी जोक्स भेजकर हंसाता था वो। दिन गुजरते गए और मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। अक्सर ऐसा ही होता है, खूबसूरत लोग बेवकूफ होते हैं। पेरिस बुलाकर शादी करना चाहता था वो। मैं यहाँ तो आ गई, लेकिन क्या हुआ? मजा आया? क्या कह रहे हो? तो रो क्यों रही हो? वो जानू, जानू? वो 60 साल का बुड्ढा निकला। तो वो प्रोफाइल पिक्चर जवानी की थी। जॉन वो? सिली गर्ल। हाँ सही कहा, पेरिस आकर तुम्हारी तरह फंस जो गई हूँ। ए, क्या है? टांग खींच रही है? तो तुम भी तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? हाँ, बोलो। जानू के पास एज की तरह पैसा भी बहुत था। जब मैं उससे बच के भागी तो उसने मेरे पीछे गुंडे लगा दिए। प्लीज मुझे एक रात यहाँ पर रहने दो, मैं कुछ नहीं करूँगी। ये कौन दहाड़ा? हाँ, बाग है। हाँ, बाग? हाँ, देखना है? आओ। वो देखो। What a silly boy. अरे ये ओरिजिनल बाग थोड़ी ना है। Do you know Blu-rays? German technology. Through the Blu-rays technology, they create a high definition image that looks like an original image. So? वो बाग नहीं है। तो क्या है? Blu-ray. Which is? German technology. हाँ, good boy. वो असली बाग नहीं है, तुझे कैसे पता? यू नो ब्लू रे? यू यू नो? ब्लडी इलिटरेट्स। ब्लू रे इट्स अ जर्मन टेक्नोलॉजी इज वो बाग नहीं है, ब्लू रे। ए, मैंने तय किया, आज चांदनी रात में जिसे यहाँ से आजादी चाहिए मेरे साथ चल सकता है। क्या नाटक चल रहा है? काम बंद हुआ ना तो ड्रम का साइज बढ़ जाएगा। चलो पैर चलाओ। जर्मन टेक्नोलॉजी से बने नकली बाघ की अब मैं ऐसी तैसी करने वाला हूँ। बिड़ो, मैं साथ चलूंगा। आशिक मस्ताने
खड़े हो जाओ मालिक। मालिक तुम सबको मरने का इतना ही शौक है तो बोलो, मैं ही गोली मार दूंगा। इसने कहा था बाघ असली नहीं है, ब्लू फिल्म से बना है। ब्लू फिल्म नहीं यार, ब्लू रे। शट अप। ये कारनामा भी तुम्हारा ही है ना?